हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग ऑफ द होम शेफ। चलिए आज आपको आगरा घुमा कर लाते हैं। एक्चुअली पिछले दिनों मेरी मदर और मेरे इन-लॉज आए थे हमारे यहाँ रहने, तो हमने सोचा क्यों ना उन्हें कहीं घुमा कर लाया जाए। तो चलिए साथ साथ आपको भी घुमा लाते हैं। हम लोग सुबह के टाइम ही निकले थे। अब हो गया है ब्रेकफास्ट टाइम और हम रुके हैं रास्ते में ढाबे पर। अगर आप रोड से जा रहे हैं और ढाबे पर खाना नहीं खाया तो क्या मतलब। एंड बीइंग अ पंजाबी, हमने ऑर्डर किए पराठे और आरुष ने एक डोसा लवर होने के नाते डोसा ही ऑर्डर किया है। और वापस हम चल रहे हैं आगरा के लिए। दिल्ली से आगरा करीब 200 किलोमीटर है, इसमें हमें ऑलमोस्ट 3 आवर्स लग गए थे। अगर ट्रैफिक ना होता 3 आवर्स में पहुंच जाते हैं। और यहाँ से अब हमें ताजमहल दिखना शुरू हो गया था। आई नो वीडियो में नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से ताजमहल दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोग डायरेक्टली ताजमहल देखने नहीं गए थे, हम लोग गए थे पहले देखने आगरा फोर्ट, यानी कि आगरा का किला। गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद यहाँ से अब आपको पैदल ही जाना होता है और सामने ही है टिकट काउंटर, वहाँ से आपको टिकट परचेज करनी होती है पर पर्सन और उसके बाद चेकिंग होती है। ये दोनों जो आगे चल रहे हैं ये मेरे इन-लॉज हैं और पीछे वाले मेरी मदर हैं, और इन दोनों को तो आप जानते ही हैं, आरुष और उसके पापा। तो चलिए चलते हैं पोर्ट के अंदर। आपको चेकिंग करानी होती है, आप अपने साथ सिर्फ मनी, वॉलेट और मोबाइल फोन वगैरह ही ले जा सकते हैं और कोई चीज नहीं ले जा सकते। देखिए कितना खूबसूरत है ना ये किला। कहते हैं कि इंडिया में ये सबसे बड़ा किला है जो मुगल एम्परर्स ने बनाया था। इसे अराउंड 1573 में अकबर ने बनाया था। यहाँ से ताजमहल सिर्फ 2.5 किलोमीटर है, यानी कि 2.5 किलोमीटर ही है। आगरा फोर्ट इतना बड़ा है कि इसमें उस टाइम का एक पूरा राज्य समा सकता है, सीरियसली। और यहाँ पर आपको काफ़ी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, जैसे कि व्हीलचेयर वगैरह, और अगर आपको बेबी को फीड कराना है या डायपर चेंज करना है उसके लिए भी पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। और अब देखिए ये है चार बाग, कहते हैं इसे। उस टाइम पर इस तरह के बाग बहुत फेमस थे जिन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। और ये है एक तरह का झरोखा, कहते हैं कि यहाँ से राजा और रानी जो होते थे ताजमहल को निहारा करते थे।
यहाँ आकर वाकई इतना अच्छा लग रहा था कि मेरा मन तो कर रहा था कि यहीं बैठ जाऊं और ताजमहल को देखती रहूं। फोर्ट में काफी सारा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, मेंटेनेंस का। और ये है शीश महल। कहते हैं कि ऐसे 3 शीश महल बनवाए थे शाहजहां ने, जिसमें से सबसे जो फाइनेस्ट क्वालिटी का था वो यही था। लेकिन ये बाहर से बंद था, हम इसे अंदर जाके नहीं देख सकते थे। और अब हम जा रहे हैं दीवाने आम में। ये एक तरह का एक हॉल है, आप देखेंगे इसमें सारे पिलर एक लाइन में ही बने हुए हैं, और ये जो सारे गेट टाइप के बने हुए हैं ये भी बिल्कुल इक्वल हाइट के हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो राजा थे वो अपनी जनता से उनकी प्रॉब्लम सुना करते थे और उनकी शिकायतें सुना करते थे। ऐसा ही एक दीवाने खास है जहाँ पर उनके स्पेशल गेस्ट आते थे उनसे मिलने। और अब हम जा रहे हैं किले से बाहर। अभी हम ताज पर नहीं जाएंगे, उससे पहले हम गए थे एक बहुत बड़ी शॉप थी जहाँ पर ये एक बेबी ताजमहल है, बेबी ताजमहल के नाम से फेमस है ये। कहते हैं कि इंडिया में ये एक इकलौता ताजमहल का ऐसा मॉडल है जो बिल्कुल उसी की तरह बना हुआ है, सेम मार्बल से बना हुआ है जिससे ताजमहल बना हुआ है। एक्चुअली ताजमहल जो है वो क्लोज हो जाता है आफ्टर 6 PM, तो जो उसका नाइट व्यू है उसे कोई नहीं देख पाता है पास से, इसीलिए ये मॉडल बनाया गया है उसका नाइट व्यू शो करने के लिए। कहते हैं कि ताजमहल रात में जब उस पर मूनलाइट पड़ती है तो एकदम डायमंड की तरह चमकता है, जो कि आप अभी देखेंगे कुछ इस तरह से, सो ब्यूटीफुल। तो ये मॉडल इसीलिए बनाया गया है ताकि लोगों को उसका नाइट व्यू भी करीब से दिखाया जा सके। इसी शॉप में आपको ताजमहल के छोटे छोटे मॉडल्स भी खरीदने को मिल जाएंगे और मार्बल से बने हुए और भी आर्टिफैक्ट्स मिल जाएंगे। हमने भी यहाँ से एक छोटा सा ताजमहल का मॉडल परचेज किया, जिसकी पिक्चर मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है ना ये। वो बेबी ताजमहल को देखने के बाद अब हम चलते हैं रियल ताजमहल देखने। ताजमहल में एंट्री के 4 गेट हैं, लेकिन उसमें से कुछ गेट क्लोज थे तो हमें वेस्ट गेट से ही एंट्री मिली थी। ताजमहल में आने के लिए आपको ID प्रूफ जरूर चाहिए, तो अगर आप कभी भी घूमने आ रहे हैं तो अपनी ID जरूर लेके आइए। और यहाँ पर भी आपको टिकट परचेज करना होता है एंट्री के लिए। ताजमहल को अराउंड 1632 में शाहजहां ने बनवाया था। वैसे ये बात तो सभी जानते हैं कि शाहजहां ने इसे अपनी बिलव्ड वाइफ मुमताज महल के लिए बनाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुमताज महल का रियल नेम क्या था? उनका रियल नेम था अर्जुमन बानो। जी हाँ, वैसे कुछ इतिहासकारों का मानना ये भी है कि ये शाहजहां ने नहीं बनवाया था, ये शाहजहां के टाइम से पहले का है। और ये एक शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महालय, और शाहजहां ने इसे कब्जे में कर लिया था और उसके बाद इसमें काफ़ी सारे चेंजेस करवाए। शायद इसीलिए इसके गुंबद के ऊपर एक त्रिशूल जैसा बना हुआ है। खैर, सच जो भी हो, जिसने भी इसे बनाया है बहुत कमाल बनाया है। इस गेट से ताजमहल की जो ब्यूटी है वो वर्ड्स में कहीं नहीं जा सकती, आप वहां खड़े होकर इसे देखते ही रह जाएंगे। तो चलिए चलते हैं ताजमहल देखने अंदर। यहाँ पर एंट्री करते ही आपको बहुत सारे फोटोग्राफर्स मिलेंगे जो आपको 50 rupees पर फोटो में फोटोज क्लिक करके देते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी। हमने भी यहाँ पर कुछ फोटोज क्लिक की जो आपको आगे देखने को मिलेंगी। कहते हैं कि शाहजहां ने मुमताज महल को फर्स्ट टाइम आगरा के मीना बाजार की किसी गली में देखा था और वो उन्हें देखते ही रह गए थे, वो इतनी ब्यूटीफुल थी। और उसके जल्द ही बाद उन्होंने उनसे सगाई कर ली और उनका निकाह भी हो गया। ताजमहल को बनाने में अराउंड 32 million की कॉस्ट आई थी। जी हाँ, उस टाइम पर 32 million जो कि आज बिलियंस में है। आरुष तो यहाँ आकर बहुत ही मस्त हो गया, देखिए क्या कर रहा है वो। What are you doing? Dreaming? Now I'm trying to capture myself in Taj Mahal. इतना खूबसूरत है ये कि आप इसको देखते ही रह जाते हैं।
रियल वर्क, अ यूनिक पीस ऑफ आर्ट। और यहाँ पे मेरी दोनों मदर्स ताजमहल को निहार रही हैं, वो है ही निहारने लायक। नो डाउट कि लोग इसे इतनी दूर दूर से देखने क्यों आते हैं। और यहाँ पर एक ताजमहल के लेफ्ट में एक मस्जिद भी है, यहाँ पर भी कुछ काम चल रहा था। मस्जिद वाली साइड से जब आप ताजमहल को देखते हैं तो उसका लुक कुछ ऐसा आता है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना ये। दिल्ली पर ही आती है, दिल्ली से लेकर आगरा तक। जैसे कि आगरा फोर्ट से हमें ताजमहल दिख रहा था, सेम वैसे ही ताजमहल से हमें आगरा फोर्ट भी दिख रहा था। तो बाय बाय ताजमहल। ताजमहल से निकलकर हमने कुछ ही व्यूज देखे, कितना ब्यूटीफुल लगता है ना ये। आरुष तो ताजमहल देखकर इतने इम्प्रेस हो गया कि उसने घर आकर अपने ब्लॉक से ताजमहल का पूरा मॉडल ही बना डाला, वो भी विद लाइटिंग। इसके बाद हम लोग मथुरा गए, लेकिन वहां पर कैमरा अलाउड नहीं था मंदिर में, तो मैं आगे की वीडियोस नहीं बना पाई हूँ। आपको सिर्फ आगरा ही घुमाया है मैंने। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।